एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह, उसके दो साथियों को हिरासत में लिया गया है और ये उसके घर के पास से यानी कि सेक्टर 88 से मोहाली पुलिस ने दोनों को पकड़ा है और ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस का। इन दोनों को पकड़ा गया है, अमृतपाल के दो साथी मोहाली से पुलिस ने पकड़े हैं। पकड़े गए सहयोगियों में एक महिला भी शामिल है और इससे पहले पप्पल प्रीत को भी पुलिस गिरफ्तार की जा कर चुकी है और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का एक बहुत ही नजदीकी साथी जोगा सिंह भी दो दिन पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। मतलब ये हुआ कि अब लगातार अमृतपाल सिंह के साथियों पर शिकंजा कस रहा है। अमृतपाल सिंह तो फरार है लेकिन उसके दो साथी और हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सत्येंद्र बताइए। सही देखिए, तकरीबन शाम 8 बजे से दिल्ली पुलिस की टीम और पंजाब पुलिस की टीमों ने मोहाली के सेक्टर 88 में एक सर्च ऑपरेशन चलाया था और इस सर्च ऑपरेशन में पूरे इलाके को घेर कर बाकायदा घर घर जाकर लोगों के रिकॉर्ड चेक किए गए, कई घरों में तलाशी ली गई और इस दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं है लेकिन हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक का नाम गुरजन सिंह है और एक महिला जिसका नाम निशा रानी बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये दोनों ही फरार अमृतपाल के समर्थक है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है, लोगों से पूछताछ भी कर रही है और जो ऑपरेशन तकरीबन 2 घंटे तक चला था उसको वाइंड अप किया जा रहा है और अभी भी जगह जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई है। सही, बहुत धन्यवाद सत्येंद्र। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। मोहाली से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह तो फरार है लेकिन उसके साथियों को पकड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। उसके दो और साथियों को पुलिस ने पकड़ा है मोहाली से, खबर मिली सेक्टर 88 में घर को घेरा गया और अमृतपाल सिंह जब फरार हुआ था तो इन दोनों ने उसको मदद की थी, मदद पहुंचाई थी और उसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक महिला भी है।